1980 से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत करने वाले नसीरुद्दीन शाह की एक्टिंग के तो सभी दीवाने हैं। 1949 को उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में जन्मे इस एक्टर ने 20 साल की उम्र में ही अपने से 15 साल की बड़ी मन्नारा सिकरी से शादी कर ली थी। जब नसीरुद्दीन शाह ने घर वालों से मन्नारा के बारे में बताया तो उनके परिवार वाले गुस्से से आग बबूला हो गए, क्योंकि मन्नारा उनसे उम्र में 15 साल बड़ी थी। बात सिर्फ उम्र की नहीं थी, मन्नारा पहले से ही शादीशुदा थी और उन्हें एक बच्चा भी था। घर वालों के लाख मना करने के बावजूद नसीरुद्दीन शाह नहीं माने और मन्नारा से उन्होंने शादी कर ली। शादी के एक साल के अंदर ही दोनों को एक बेटी हुई, लेकिन नसीर और मन्नारा का ये रिश्ता ज्यादा दिन टिक नहीं पाया। मन्नारा और नसीर के बीच अनबन शुरू हो गई और वो अलग अलग रहने लगे। 1982 में नसीरुद्दीन शाह और मन्नारा ने तलाक ले लिया। मन्नारा से अलग होने के बाद नसीरुद्दीन शाह ने अपनी नई जिंदगी की शुरुआत की। 1975 में उनकी मुलाकात रत्ना पाठक से हुई। दोनों एक नाटक के रिहर्सल के दौरान मिले और एक दूसरे को दिल दे बैठे और फिर 1982 में बड़ी सादगी के साथ दोनों ने शादी कर ली।